हेलो गाइस, आई एम वैशाली कीकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं जो कि है फ्रेजेस। आज हम देखेंगे फ्रेजेस होते क्या हैं, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, राइट? वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस, जैसे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज में भी दो टाइप्स देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एंड पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। उसके बाद देखेंगे जेरंडियल फ्रेज और एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज एपोजिटिव। एपोजिटिव देखेंगे कि होते क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर। आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं कुछ वर्ड्स और एक साथ में जाते हैं, तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज, राइट? सो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर इन अ सेंटेंस। इट इज नेवर अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस कभी नहीं होएगा, या तो इसमें वर्ब मिसिंग होगा या फिर इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा, राइट? सो इट विल नेवर हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो जब भी फ्रेज होएगा, या तो सब्जेक्ट रहेगा या वर्ब रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। इट विल एक्ट लाइक अ एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और माइट बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस। ये किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह एक्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकते हैं और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, राइट? कमिंग टू द प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज एक ऐसा फ्रेज होता है जिसके अंदर प्रेपोजिशन होता है, राइट? प्रेपोजिशन जब मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशनल फ्रेज में यूज होते हैं। प्रेपोजिशन ऑलवेज अपीयर इन दिस फ्रेज। अब प्रेपोजिशन तो हम जानते ही होते क्या है, ये क्या बताता है? ये बताता है वेयर, व्हेन एंड समटाइम्स हाउ और व्हाट काइंड। ये सब सवालों के जवाब देता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इट विल फंक्शन आइदर एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है या तो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा या एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। एग्जाम्पल्स क्या है? तो सबसे पहले हम एडवर्बियल प्रेपोजिशन फ्रेज के एग्जाम्पल देखते हैं। आई पुट इट ऑन द टेबल। सो ऑन द टेबल क्या है? यहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑन यूज कर रहे हैं। ऑन द टेबल एक फ्रेज है जो कि है एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज। शी इज एट स्कूल। सो एट स्कूल अगेन एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ड्यूरिंग द मूवी द बेबी क्राइड। सो ड्यूरिंग द मूवी क्या है? एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखते हैं कि ये आंसर कर पाते हैं या नहीं। ऑन द टेबल बता रहा है वेयर। शी इज एट स्कूल। एट स्कूल भी बता रहा है वेयर। ड्यूरिंग द मूवी बता रहा है व्हेन। सो ये सब क्वेश्चंस के आंसर व्हेन और वेयर का आंसर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्रेपोजिशनल फ्रेज। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज। एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज का एग्जाम्पल देखे तो शी वोर द ड्रेस विद स्ट्राइप्स, राइट? सो यहाँ पर विद स्ट्राइप्स क्या है? एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज। ड्रेस का एडजेक्टिव है ये, राइट? और यहाँ पर विद यूज हो रहा है, विद यहाँ पर प्रेपोजिशन है। विद स्ट्राइप्स यहाँ पर एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज ये बता रहा है कि कैसी ड्रेस है। दिस इज द न्यू बुक बाय जेके रॉलिंग। सो बाय जेके रॉलिंग यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये बता रहा है कि ऑथर कौन है। द फ्लैग ऑफ US इज रेड व्हाइट एंड ब्लू। सो ऑफ US यहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑफ यूज कर रहे हैं, तो ऑफ US यहाँ पर एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कमिंग टू द इन्फिनिटिव फ्रेजेस। तो इन्फिनिटिव फ्रेजेस में हमारे पास इन्फिनिटिव्स होते हैं, दे आर प्लेन ओल्ड इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स हमें नहीं पता है इन्फिनिटिव्स होते क्या है। इट्स अ वर्ब विद अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ इट। एक वर्ब उसके साथ में उसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है तो उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। बट ये एक वर्ब की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। जब भी वर्ब के आगे कुछ वर्ड लगा दीजिए और ये वर्ब वर्ब की तरह एक्ट ना करे, इट विल बी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे एक्ट करेगा? फिर इट विल बी अ नाउन, राइट? Verb comes after to is infinitive, but noun pronoun comes after to will be preposition, right? अब देखते हैं कि कैसे हम to के बाद अगर verb आता है तो उसे infinitive बोलेंगे, to के बाद noun और pronoun आएगा तो उसे हम preposition बोलेंगे। I want to jump. So यहाँ to jump क्या है? Infinitive. तो क्योंकि jump यहाँ पर as a verb use हुआ है, jump verb use हुआ है after to, तो ये infinitive। I jump to the ground. तो the ground यहाँ पर क्या है? Noun. और noun to के बाद use हुआ है तो यहाँ पर to क्या है? Preposition. ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। Example of infinitive phrases. Example क्या है? I like to write quickly. So यहाँ पर to write quickly क्या है? Infinitive phrase. To be an actor is my greatest ambition. तो यहाँ पर to be an actor जो है वो मेरा infinitive phrase है। I want to go to movie later. Right? So to go to movie is my infinitive phrase. Coming to the participle phrase. Participle comes from the verb, but now they are adjectives. So ये कैसे? Participles हमारे verb से बनते हैं, but अभी ये हमारे adjective की तरह use हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, sentence में दिखेंगे तो ये आपको verb ही, but ये आपको adjective की तरह use होते हुए दिखेंगे sentence में।
दो टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थिंकिंग, रीडिंग, तो ये सब हमारे हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, डैड ड्राइविंग द कार वॉजंट लिसनिंग, तो जो ड्राइविंग द कार है यहाँ पर वो क्या है हमारे पास? प्रेजेंट पार्टिसिपल। द हॉपिंग बनी वॉज सो क्यूट, सो बनी की एडजेक्टिव है हॉपिंग, सो हॉपिंग यहाँ पर क्या है हमारे पास? प्रेजेंट पार्टिसिपल। रनिंग क्विकली आई गो टू स्कूल लेट एनी वे, सो रनिंग क्विकली क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है, राइट? सो यहाँ पर रनिंग क्विकली प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की तरह यूज हो रहा है। अब यहाँ पर दो केसेस देखते हैं जहां पर रनिंग एज अ पार्टिसिपल यूज हो रहा है और रनिंग एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो रनिंग फॉर द बस ही ट्रिप्ड एंड फेल, सो यहाँ पर रनिंग फॉर द बस क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ही वॉज रनिंग फॉर द बस व्हेन ही ट्रिप्ड एंड फेल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रनिंग फॉर द बस एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, बट यहाँ पर ही वॉज रनिंग फॉर द बस, तो रनिंग एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड केस में रनिंग वर्ब है। कमिंग टू द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं हम? उस फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज करते हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे रिटर्न, बर्न, सीन, बेक्ड, रन, राइट? तो ये सब हमारे पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के फॉर्म है। रिटन क्विकली माई एसे डिडंट गेट अ वेरी गुड ग्रेड, सो यहाँ पर ये जो रिटन क्विकली है ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इसी सेंटेंस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? रिटन क्विकली आई डिडंट गेट अ वेरी गुड ग्रेड ऑन माय एसे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि रिटन क्विकली के पास क्या है? आई। यहाँ पर रिटन क्विकली के पास क्या है? माय एसे, और रिटन क्विकली किसे बता रहा है? वो माय एसे को बता रहा है, रिटन क्विकली आई को नहीं बता रहा है, राइट? सो एडजेक्टिव किसका है? एसे का, रिटन क्विकली। सो रिटन क्विकली माय एसे के पास में आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट गलत है। Written quickly, I didn't get a very good grade on my essay is a wrong statement, whereas written quickly, my essay didn't get a very good grade is a right statement. We noticed the burning building as we drove by. So, यहाँ पर the burning building क्या है? ये हमारी past participle phrase है. Gerundial phrase. Gerundial phrase क्या होते हैं? वो gerund से बने होते हैं. अब gerund क्या है? Gerund looks like present participle, but they have the form of verb with ing added to it. Right? So, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दिखते हैं क्योंकि ये जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं इसमें आई एन जी एडिड रहता है। जिरंड बट फंक्शन कैसे करते हैं? एज अ नाउन, राइट? सो दे कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। लाइक स्काइंग इज अ फेवरेट हॉबी ऑफ माइंड, तो स्काइंग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। आई लव स्काइंग एज मच एज यू डू, सो यहाँ पर स्काइंग क्या है? ऑब्जेक्ट। आई हैव रेड मैनी बुक्स अबाउट स्काइंग, सो यहाँ पर भी स्काइंग एज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्काइंग एज अ जिरंड यूज हुआ है। एपोजिटिव, एपोजिटिव क्या होता है? एपोजिटिव वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन प्रोनाउन दैट कम्स राइट बिफोर इट, सो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है या वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को जो इससे पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एलन इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, तो एलन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? माय सिस्टर, सो माय सिस्टर क्या है? एपोजिटिव, राइट? माय सिस्टर क्या है? माय सिस्टर डिस्क्रिप्शन है किसका? एलन का, राइट? सो एलन क्या है यहाँ पर? एपोजिटिव। अब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देखें, एलन माय ओल्डर सिस्टर इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, सो यहाँ पर माय ओल्डर सिस्टर का डिस्क्रिप्शन क्या है? एलन, राइट? सो यहाँ पर माय ओल्डर सिस्टर एज अ एपोजिटिव यूज कर रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने इस सेकेंड स्टेटमेंट में कोमाज यूज करे थे। कॉमा कब यूज करते हैं हम? कॉमा हम तब यूज करते हैं जब ये कॉमा हटा दीजिए, राइट? कॉमा हटा दीजिए और इसके बीच का जो सेंटेंस है वो भी हटा दीजिए। जब वो भी हटा देंगे तो उसके बाद जो बचा कुचा सेंटेंस है वो सेंस करे, वो उसका एक सेंटेंस का मीनिंग बने। जैसे कि यहाँ पर माई ओल्डर सिस्टर हटा देते हैं तो एलन इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक, इसका हमारे पास सेंस बन रहा है। तो ये जो एलन इज विजिटिंग नेक्स्ट वीक है इसको छोड़कर बाकी सब जगह हमारे पास कॉमाज यूज होंगे। तो एलन के बाद कॉमा, माय ओल्डर सिस्टर के बाद कॉमा, राइट? सो कॉमा इज यूज्ड व्हेन व्हाटएवर बिटवीन कॉमा इज लेफ्ट आउट एंड सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस, सो उस टाइम पर हम कॉमा यूज करते हैं। इफ एपोजिटिव इज नीडेड टू आइडेंटिफाई नाउन प्रोनाउन यूज बिफोर इट देन नो कॉमा इज यूज्ड। सो जब एपोजिटिव को यूज करेंगे टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन यूज बिफोर इट, तो उस टाइम पर हम कॉमा नहीं यूज करेंगे। जैसे कि माई ब्रदर जो वेंट टू स्कूल, तो जो को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? एज अ माई ब्रदर, राइट? तो यहाँ पर इस केस में हम जो के आगे हम कॉमा नहीं यूज करेंगे क्योंकि जो डिस्क्राइब्ड है
माई ब्रदर से. सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे बट हम नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज जो का आइडेंटिफिकेशन ही माई ब्रदर है. सो आई होप आपको सब समझ आया होगा. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया. पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आर मोबाइल ऐप वैशाली ई लर्निंग इन योर फोन. थैंक यू सो मच.